सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पहाड़ मंत्रा। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था और आज के क्लास में मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा सैचुरेटेड कंपाउंड का। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलाइड, अल्कोहल, एमीन, इसके बाद डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताया था। इसके बाद मैं आपको अंतिम में होमोलोगस सीरीज बताया था जिसमें मैं अल्केन, अल्किन, अल्काइन बताया था। होमोलोगस सीरीज में मैंने क्या बताया था कि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है भाई, केवल उसमें अपन क्या करते हैं, केवल उसमें चेंज आता है एन इंटू सी एच टू ग्रुप का। तो उसी में पहला मैं आपको सैचुरेट कंपाउंड अल्केन बताया था जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू। आज उसी अल्केन का हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आप लोग क्लास को थोड़ा सिंसियर से देखिएगा। नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन कहीं भी आता है, चाहे वो कोई जनरल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई आईआईटी जेई हो, एनटीएससी हो। आईआईटी जेई में डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन कंप्लेक्स टाइप के क्वेश्चन में उसका यूटिलाइज करके आगे प्रोसीड करता है। और कोई कोई स्टेट एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर के आते हैं और बोर्ड में तो एक आना ही है। तो खास करके स्टेट बोर्ड में तो एक तीन से चार नंबर का क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर में। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज मैं सैचुरेटेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। नोमेनक्लेचर किसे बताऊंगा, नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि एक प्रीफिक्स होता है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, उसके बाद सफिक्स आता है। सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है। प्रीफिक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक वन डिग्री प्रीफिक्स होता है, एक टू डिग्री प्रीफिक्स होता है। वन डिग्री प्रीफिक्स में बाई साइक्लो लगा रहेगा, साइक्लो लगा रहेगा, स्पायरो लगा रहेगा। टू डिग्री प्रीफिक्स में कोई जैसे क्लोरो है तो क्लोरो लगा रहेगा, फ्लोरो है तो फ्लोरो लगा रहेगा, एनो टू है तो नाइट्रो लगा रहेगा, CH3 है तो मिथाइल लगा रहेगा। वर्ड रूट होता है, तो चूंकि हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन तो होगा ही, वर्ड रूट पे नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। सफिक्स जो होता है ये भी वन दो तरह का होता है, एक वन डिग्री सफिक्स होता है और एक टू डिग्री सफिक्स होता है। टू डिग्री सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप लाइक व्हाट, क्लोरो, हेलाइड हो गया तो क्या हुआ, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, अल्कोहल में हो जाएगा OH, SH थायो अल्कोहल, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, उसके बाद NO2 नाइट्रो हो जाएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इथर हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग टू डिग्री सफिक्स में लगाते हैं। वन डिग्री जो सफिक्स होता है ना, इसमें हम लोग लगाते हैं, जैसे अल्केन रहेगा तो एन लगेगा, अल्किन रहेगा तो इन लगेगा, अल्काइन रहेगा तो आइन लगेगा। तो ये आपको इतना ये बेसिक है नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर का ये बेसिक है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स में। वर्ड रूट में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम का स्टडी करते हैं, प्रीफिक्स में वन डिग्री प्रीफिक्स होता है, टू डिग्री प्रीफिक्स होता है। टू डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग बाई ये क्लोरो रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो, मिथाइल। वन डिग्री प्रीफिक्स में बाई साइक्लो, साइक्लो और स्पायरो रहता है। जबकि वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम का स्टडी करते हैं। सफिक्स में वन डिग्री सफिक्स में अल्केन रहेगा तो एन रहेगा, अल्काइन रहेगा तो आयन लगेगा, अल्किन रहेगा तो इन रहेगा। टू डिग्री सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करते हैं। तो इसके बाद मैं आज आपको आगे बताऊंगा जो वर्ड रूट होता है, जैसे इसमें एक रहेगा तो मिथ, दो रहेगा तो इथ, दो रहेगा तो इथ, तीन रहेगा तो प्रोप, फोर रहेगा तो ब्यूट, फाइव रहेगा तो पेंट, सिक्स रहेगा तो हेक्स,
सेवन रहेगा तो हिट, एट रहेगा तो ऑफ, नौ रहेगा, नाइन रहेगा तो नून, टेन रहेगा तो हिट, इलेवन रहेगा तो अनहिट, ट्वेल्व रहेगा तो डाई हिट, ट्वेंटी रहेगा तो आई कॉस, थर्टी रहेगा तो ट्राई काउंट, फोर्टी रहेगा तो टेट्रा काउंट, ये सब वर्ड रूट होता है। वन रहेगा तो मीट, टू रहेगा तो ईट, थ्री रहेगा तो प्रोप, फोर रहेगा तो ब्यूट, फाइव रहेगा तो पेंट, सिक्स रहेगा तो हेक्स, सेवन रहेगा तो हेप्ट, एट रहेगा तो ऑफ, नाइन रहेगा तो लोन, टेन रहेगा तो डेप, इलेवन रहेगा तो अनडेक, ट्वेल्व में डाई डेक, ट्वेंटी में आई कॉस, थर्टी में ट्राई कॉन एंड फोर्टी में टेट्रा कॉन। ये सब वर्ड रूट होता है जो कि कार्बन बेस्ड होता है। तो अब मैं रूट बताऊंगा इसका, क्योंकि प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट मैंने बता दिया। अब सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें अल्केन होता है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, सिंपल सिंगल बॉन्ड का होता है, जिसमें पहला रूट होता है सेलेक्शन ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड, मतलब किसको कार्बन एटम कंपाउंड में हमको सेलेक्ट करना है, मतलब पेरेंट्स चेन किसको सेलेक्ट करना है, पेरेंट्स चेन उसी को सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। क्या हो? नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। कैसे? मान लीजिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ से सात हुआ स्ट्रेट जाने में, यहाँ से एक दो तीन चार हुआ, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः हुआ, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कहाँ जाना है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे जाना है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट्स चेन, और ये दोनों क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC बेस्ट नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है उसको हम लोग पेरेंट्स चेन सेलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा जो भी रहता है उसको सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करते हैं। अब दूसरा जो रूल होता है वो कहता है कि पेरेंट्स चेन उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन हो, जैसे मोर नंबर ऑफ साइड चेन देन दे विल बी अ पेरेंट्स चेन। मतलब एक ये कार्बन मान लीजिए आपके लिए, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, तो चाहे आप इसको पेरेंट चेन ले लीजिए या चाहे इसको आप पेरेंट चेन ले लीजिए, बात पड़ेगी सेम। तो बात रहेगा कि आप इसको जब पेरेंट चेन लीजिएगा तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दो रहेंगे, जब इसको पेरेंट चेन लीजिएगा तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दो रहेंगे, तो आप कोई को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन दो रहेगा, मान लीजिए इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन दो से ज़्यादा रहेगा। तो जो दो से ज़्यादा रहेगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन रहता है, उसको हम लोग पेरेंट्स चेन सेलेक्ट करते हैं। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल कहता है कि नोमेनक्लेचर जो भी हम लोग कंपाउंड का कर रहे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे करेंगे। मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप एक आ गया ब्रोमो, एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरो, तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? बी आ गया था, उसके बाद सी आता है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लोरो को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये सबसे बेसिक नोमेनक्लेचर है, इसमें आप देखिए वन टू थ्री फोर, फोर में क्या होता है वर्ड रूट? ब्यूट। यहाँ पे साइक्लो बाई साइक्लो स्पैरो लगेगा नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो लगेगा नहीं प्रीफिक्स, तो
तो डायरेक्ट वर्ड रूट ब्यूट, उसके बाद सफिक्स में क्या लगेगा, ये अल्केन है तो 1 डिग्री सफिक्स लगेगा, ए एन ई एन, तो इसमें एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कोई ऐसे नोमेनक्लेचर इतना बेसिक लेवल पे नहीं बताता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब कराते हो, बहुत मेहनत से हम क्लास लेके आते हैं और एक अच्छा लेवल का क्लास लेके आते हैं, ये कहीं से नोट्स उठा के नहीं लाते हैं, ये ऑथेंटिक बुक से ये आपको नोट्स दिया जाता है, ऑथेंटिक बुक, प्रीफर्ड बुक से मैं नोट्स को फॉलो करता हूँ और आपके सामने लाता हूँ। ये कहीं इसके आपको विकिपीडिया मिलने वाले नहीं है। इसके बाद आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर नोमेनक्लेचर मैंने बताया था उसका एक एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब देखिए, एक रूल कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं कि लोएस्ट सेलेक्टेड लोकेंट रूल, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट्स चेन में है, तो हम लोग लेफ्ट से जाएंगे कि राइट से नंबरिंग करेंगे, ऐसी असमंजस की स्थिति में हम लोग लोएस्ट सेलेक्टेड लोकेंट रूल को प्रीफर करते हैं। मान लीजिए आप लेफ्ट से जा रहे हो, लेफ्ट से कर रहे हो, या इधर आप राइट से कर रहे हो, लेफ्ट से कर रहे हो तो कुछ वैल्यू कुछ डाटा आएगा, राइट से कर रहे हो तो कुछ डाटा आएगा, तो उसी डाटा में जहाँ डिफरेंस आ जाएगा और डिफरेंस में जहाँ छोटा हो जाएगा उसको ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पेरेंट्स चेन में। याद रखिएगा, जहाँ पे डिफरेंस आ जाए और डिफरेंस में छोटा जो हो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स चेन में। यहाँ पे मान लीजिए इधर से जाइएगा तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से आप जा रहे हो तो 2 और 4 है। लोएस्ट सेलेक्टेड लोकेंट रूल इससे पहले मैं बताया हूँ, इसको अप्लाई कीजिए, इधर से जाइएगा तो 2 3 2 4, ये तो ये सेम है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे प्लूरल, तो किसको प्रीफर करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट में बी आता है तो ब्रोमो को प्रीफर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद वर्ड रूट तो 5 है तो प्रोप, अब सफिक्स क्या लगाएंगे, तो 5 है अल्केन है तो लफड़ा ही नहीं है, ए एन ई एन, तो एन, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो प्रोपेन। और कुछ एग्जांपल कराता हूँ, अब देखिए इसमें आप लोकेंट रूल लगाइएगा, लोएस्ट सेलेक्टेड लोकेंट रूल, मतलब किधर से नंबरिंग करने के लिए लगाते हैं लोकेंट रूल, तो किधर से नंबरिंग करके सेलेक्ट करेंगे पेरेंट्स चेन को, तो मान लीजिए आप लेफ्ट से कीजिएगा तो ये 3 4 आएगा, राइट से कीजिएगा तो 2 3 आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे डिफरेंस आए तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया, और सबसे छोटा 2 या 3 2, तो ये 2 3, मतलब 2 3 किधर से है, इधर से है, तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, राइट को, मतलब राइट से हम लोग नंबरिंग करेंगे, राइट से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, क्लोरो, प्रीफिक्स लगा रहे हैं, प्रीफिक्स मैंने बताया है ये किस डिग्री का प्रीफिक्स है, तो 2 डिग्री का प्रीफिक्स है कि 1 डिग्री का प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में मैंने क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो मिथाइल ये सब बताया था ना, तो ये 2 डिग्री में प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद ये फिर आया 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 ही आ गया तो पेंट, और अल्केन है तो एन। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि सर आपने तो बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लेके चलते हैं भैया, तो यहाँ पे तो आपने अल्फाबेटिकल नहीं लिया, तो मैं आपको चेक कर रहा था, ये है गलत, केवल इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर दीजिएगा तो अल्फाबेटिकल हो जाएगा ना, इसको क्या सही होगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन,
समझ में आया? एक और एग्जांपल कराता हूँ, मेरा मेन मोटिव है आप समझ जाओ। इतने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे लेवल का, कोई गहरा गहरा लेवल का नहीं, ऑथेंटिक लेवल का आपको केमिस्ट्री बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको मतलब इसको ऐसे वैसे मत लेके चलिएगा। तो इसमें आपको एक बताता हूँ, एक और एग्जांपल कराता हूँ, CH3 CH NO2 CH2 CH क्लोरो और ये। अब आप इसका कीजिएगा, तो इसका कीजिएगा लेफ्ट से, तो 2 4, एक और बहा दिए, लेफ्ट से कीजिएगा तो 2 और 4, राइट से कीजिएगा तो 3 और 5। तो कहाँ पे डिफरेंस आया? यहाँ पे आया, सबसे छोटा कॉमन 2 4, तो 2 4 किधर से है, तो हम लोग लेफ्ट से चुके लिए, तो नंबरिंग किधर से होगा, यहाँ पे लेफ्ट से होगा, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर दिए, किससे? लोकेंट रूल से प्रिडिक्ट कर दिए। तो इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो सब काम ही क्लियर कर दिया, तो अब 6 हो गया। तो यहाँ पे चूंकि ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, तो ये एन है सी है, तो सबसे पहले ये आएगा, तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो और 6 है, तो क्या होता है, हेक्स, हेक्स वर्ड रूट होगा, और सिंपल सैचुरेटेड है, अल्केन है, तो ए एन ई 1 डिग्री की 2 डिग्री, तो 1 डिग्री प्री सफिक्स ए एन ई लग जाएगा, जिसका 4 क्लोरो 2 नाइट्रो हेक्सेन नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।